लगता हम काफी लेट हो गए मैडम सर यहाँ आने में. दो चार साल पहले आए होते तो शायद गौरी शंकर यहाँ ही मिलता. अब तो यहाँ की दीवारें भी गौरी शंकर की सूरत भूल चुकी होगी. कोई बात नहीं, हम पता लगाते हैं, जन्म कुंडली निकालते हैं इस गौरी शंकर की. पुष्पा जी, व्हाट अ ट्रेजेडी. यहाँ पे इतना बड़ा घर खाली और मैं कहाँ सरकारी क्वार्टर में अपने छोटे से रूम में एडजस्ट कर रही हूँ. मैं क्या कह रही हूँ, ये तो नाइंसाफी है ना. तो अगर गौरी शंकर जी पकड़े जाएंगे तो आप उनसे बात करोगे क्या मेरे लिए, कि अगर सस्ते में अगर रेंट पे घर दे देंगे तो. सस्ते से सस्ता माना ना तो भी पूरे थाने की तनख्वाह लग जाएगी तुम्हारा ये किराया भरने के लिए. अपने काम पे ध्यान दो ना जड़ बुद्धि, वरना ये जो सरकारी क्वार्टर तुम्हारे हाथ लगा है ना वो भी हाथ से छूट जाएगा. पता लग गया मैडम साहब, 2 साल पहले यहाँ से घर बेचकर शिफ्ट हो गया. इस तरह अचानक से शिफ्ट हो जाने की कोई वजह? बाकी कुछ पता नहीं लगा है, पर हाँ बड़ा आनंद फानंद में शिफ्ट हुआ था वो. और जिस घर में शिफ्ट हुआ है वो घर इससे छोटा है और दुगना महंगा है. इसका तो एक ही वजह हो सकता है कि यहाँ कुछ तो है जिसकी पर्देदारी हो रही है. जहाँ तक हमें याद है विक्रम के सस्पेंड होने का वक्त और इनके शिफ्टिंग का वक्त ऑलमोस्ट आसपास है. है तो ऐसे ही. तो फिर देर किस बात की है, चले वापस थाने. नहीं, घर के अंदर, ताकि हमें कोई क्लू मिल सके. लेकिन मैडम सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है. तो पुष्पा जी ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी, दीवार फान कर चलते हैं. लेकिन मैडम सर सर्च वारंट वो भी तो लगेगा, हमारे पास सर्च वारंट कहाँ है. उसका वक्त नहीं हमारे पास, हमें बिना सर्च वारंट के जाना होगा. क्या बात है मैडम सर, आज आप हमारा भाषा बोल रही हैं. तरीके पे नहीं नतीजे के बारे में सोच रही हैं. हम अब भी तरीके के बारे में ही सोच रहे हैं. 2 साल से बंद पड़ा एक संदिग्ध घर, उसकी तलाशी करना, उसकी जाँच पड़ताल करना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता ही है. अब चले. संतुजा जीप से टॉर्च लेकर आओ. जा पुष्पा जी, आपको दिन में भी टॉर्च चाहिए. ये घर 2 साल से बंद पड़ा है ना, अंदर बिजली नहीं होगी. हाँ तो जा लेकर आओ. मैं लेकर आती हूँ. हमसे ज्यादा पेशेंस आप में, इनके साथ रहते हैं. मैडम सर टॉर्च. डर लग रहा है पुष्पा जी? नहीं, तुम्हें नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर कांप क्यों रही हो? मैं कहाँ कांप रही हूँ, मैंने आपको पकड़ा है, आप हिल रहे हो तो मैं भी हिल रही हूँ. चीखे क्यों? तुम चीखे इसलिए हम चीखे. मैं चीखी? आप मेरे पैर पे चढ़ गए थे. अच्छा, तो हमारे पैर पे कौन चढ़ा था? बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत डरो. आप हो ना मेरे साथ? मैं हूँ ना आपके साथ, डरो मत. संतू सच बताओ, डर लग रहा है ना आपको भी? हाँ, 2 साल से बंद पड़ा है ये घर, न धूप न चांदनी न दिया न बत्ती न पूजा न भजन. पता है ऐसी जगह पे ना भूत और प्रेत रहते हैं. हमने तो सुना है ऐसी जगह पे नाम नहीं लेना चाहिए, टायन रहती है, टायन. अभी यहाँ से टाइम दे, टाइम दे, टाइम. तो बात तो एक ही है ना. का 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 बोलिए भैया. संतु डर रही थी ना तो हम उसे समझा रहे थे कि हम हैं ना उसके साथ, हम हैं. और जिसने इतने साल आपके साथ गुजारे वो भला डायन और चुड़ैल से क्या डरेगी? अच्छा, नहीं डरती हैं आप चुड़ैल से? नहीं, डरे हमारी जूती. चलो फिर चले, चलिए आप चलिए पहले. चलो चलो. कौआ आप तो कह रही थी आप नहीं डरती है कौआ. फिर हाँ तो आप चीखे इसलिए हम डरे, मतलब हाँ हम चीखे. अच्छा चलिए ना. करिश्मा सिंह जी, रुकिए रुकिए, हमारे रुकिए, हमें साथ लेकर चलिए. रुकिए यहाँ इस तरफ आइए, आइए.
मैडम से ये तो किसी नौकर का कमरा लग रहा है। ये देखिए नाखून के निशान, ये गहरे सिर्फ यहाँ नहीं है। आइए हे भगवान। विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, यहाँ कोई था जिसे कैद करके रखा हुआ था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, विक्रम से उसने मदद मांगी लेकिन वो मदद उस तक पहुंची नहीं। मगर कौन मैडम सर, कौन हो सकता है? हमको समझ में नहीं आ रहा है मैडम सर कि आप क्या चाह रही है। सब कुछ हमारे आंखों के एकदम सामने है और जो नहीं है वो गौरी शंकर लाएगा। अभी उठाकर लाते हैं उसको, उल्टा लटकाएंगे ना, सब कुछ अपने मुंह से बक देगा भी। नहीं करिश्मा सिंह, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है अभी? हमारे पास सिर्फ थ्योरीज हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं और बिना सबूत के हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी वही गलती करेंगे जो विक्रम ने की थी, बिना सोचे समझे कदम उठाने की गलती। और आप अच्छे से जानती हैं कि एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। हमको समझ में नहीं आता मैडम सर आप किस चीज से इतना डरती हैं। हम पुलिस वाले, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हम कानून के रक्षक हैं करिश्मा सिंह, इसलिए हमारा उठाया हुआ हर कदम कानूनन ही होना चाहिए, तभी तो हम दूसरों को कानून की इज्जत करना सिखा पाएंगे। याद रखिए, सीख हमेशा मिसाल बनकर दी जानी चाहिए, भाषण देकर नहीं। तो आपको क्या लगता है मैडम सर, एक दिन गौरी शंकर में इंसानियत जाग जाएगा, वो हमारे थाने में आएगा, बोलेगा मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा ना, फिर तो कोर्ट का और पुलिस का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सब अपने अपने घर में अपना अपराध बोध कर लेंगे, भाईचारा हो जाएगा, सतयुग बन जाएगा, पुलिस का जरूरत ही नहीं है। गौरी शंकर अपना जुर्म कबूल करे या ना करे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और यही हमारे संविधान का सबसे पहला सिद्धांत है। इसलिए फिलहाल हमारा फोकस गुनहगार को पकड़ने में नहीं, बेगुनाह को बचाने पर होना चाहिए। और रही बात आपके तरीकों की, तो हम उनसे सहमत तो नहीं है लेकिन सही जगह पर आपको मौका जरूर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चैन मैडम सर, मैडम सर अच्छी खबर है, विक्रम सर का हालात ना पहले से बहुत बेहतर हो रहा है और अब तो उनको पहले की थोड़ी थोड़ी चीजें भी याद आ रही हैं। और अच्छा बात तो ये है कि वो अपने माँ बाप को भी पहचानने लगे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सच में बहुत अच्छी खबर है चीता, जब तक वो कम्प्लीटली ठीक होंगे हम ये केस सॉल्व कर चुके होंगे। पर सवाल ये है कि ये केस सॉल्व होगा कैसे मैडम सर? विक्रम जी इस हालत में नहीं है कि वो हमारा हेल्प कर सके, हमें हमारे तरीके से आप कुछ करने नहीं देती हैं, खुद आप इस मामले में सीधा हाथ नहीं डालेंगी, तो फिर कैसे होगा केस? वैसे सुना है कि गौरी शंकर की बर्थडे पार्टी बनाई जा रही है। बहुत जोरों शोरों से वहाँ पे तैयारियां चल रही है बर्थडे पार्टी की। गौरी शंकर जी, कहिए जी। हम परफेक्ट इवेंट कंपनी से हैं, पार्टी की अरेंजमेंट के लिए आए हैं। या लेकिन पिछली बार तो आपकी तरफ से कोई और आया था। व्हाट? दरअसल हमारी कंपनी अपग्रेड कर रही है, वो पुरानी टीम थी, हम नई टीम है। पहली टीम थोड़ी बिजी है तो इसलिए हम आए हैं जी। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आपकी जगह हमारी टीम वहां जाएगी इवेंट मैनेजर बनके, और आप लोग फोन कॉल के थ्रू सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू सो मच, लखनऊ पुलिस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नॉट पॉसिबल जी। इनके कहने का मतलब है कि नॉट पॉसिबल की कोई कंप्लेन आई। या। अच्छा या। जी फिर ठीक है, अच्छी बात, चलिए आइए। थैंक यू। बस थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाएगी और पार्टी शुरू होते ही फैमिली के सारे लोग पार्टी में बिजी हो जाएंगे, यही सही मौका है हमारे पास। चैन मैडम सर, गाड़ी पार्क करने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? हाँ तो पुष्पा जी, मैडम सर ही बोली थी ना कि गाड़ी एकदम सुरक्षित जगह पे पार्क करके आना, जहाँ पे कोई ना देखे। तो आ गए पार्क करके। कहाँ? थाने में। हाँ, थाना में पार्क करके रिक्शा से अभी तो आ रहे हैं। हमारी ही गलती है। ओके
सुनिए, फैमिली बिजी हो जाएगी पार्टी में, यही सही मौका है, तलाशी शुरू कर दीजिए. एक एक कोना अच्छे से तलाश करिए. जब भी कोई ऐसी चीज मिले जो सस्पिशियस लगे या लगे कि विक्रम को बेगुनाह साबित करने में हमारी मदद कर सकती है, तुरंत पूरी टीम को इन्फॉर्म करिए. क्लियर? क्लियर मैडम. ओके. इसके साथ साथ हमें घर के सारे फैमिली मेंबर से, स्टाफ से, सबसे पूछताछ भी करनी होगी. हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए. सबसे जरूरी बात, ये सब करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना होगा. हम पकड़े जाना अफोर्ड नहीं कर सकते. या याद रखिए, विक्रम जब पकड़ा गया था उसकी क्या हालत हुई थी, हमारी हालत उससे भी बदतर हो जाएगी. ठीक है, सब लोग सावधान रहिए, केयरफुल रहिए. किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं, गलती नहीं, कोई लापरवाही नहीं. सुना? हाँ सुना. तो क्या, अपने आप को जरा काबू में रखिएगा. सब गड़बड़ ना हमेशा आप ही कर देती है. नहीं मतलब बात कुछ और चल रही हो, मुद्दा कुछ और चल रहा हो. हाँ, कहीं बम फट गया हो या फिर किसी अंतरिक्ष में किसी विमान में कुछ खराबी या कोई तकलीफ आ गई होगी ना, उसके लिए भी आप हमें ही डांटेंगी. क्योंकि हमें डांटे बिना ना आपका दिन नहीं ढलता है. दिन तो आपका नहीं ढलता बिना किसी को भी मारे पीटे, बिना अपना भौकाल मचाए, बिना आपका. जगह तो देख लिया करिए आप लोग. नहीं, जगह तो देख लिया ना मैडम सर, किचन है और किचन तो बेस्ट जगह है ना सास बहू के युद्ध के लिए. शीता चतुर्वेदी, हमने जो कहा आप सब वो ही बात याद रखिए. कोई गलती नहीं होनी चाहिए. हम सबको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, खासकर पुष्पा जी आपको. मैडम सर, मगर हमको क्यों? हाँ पुष्पा जी, आप ही को कह रही हैं, क्योंकि आप ही को बड़ा एक्टिंग करना होता है ना. तो प्लीज मैडम सर वही कह रही हैं कि अपने एक्टिंग के आक्रोश को ना थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, नहीं तो आपका एक्टिंग कहीं ओवर एक्टिंग में बदल गया ना तो सारा कुछ मटियामेंट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा पिलान. पुष्पा जी देखो, पुष्पा जी आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा. आज थाने में जब आप मिरर के सामने रिहर्स कर रही थी ना, तब मैंने आपको देखा था. आपके जाने के बाद मिरर में क्रैक आ गया था. बाप रे बाप. मैडम सर, आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए. ऐसी वाली पुष्पा जी बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं. सुना सुना, ओवर एक्टिंग नहीं. बाबा की लीला अपरंपार है, बाबा की लीला अपरंपार है. बहुत अकीदा है आपका इन पे. अकी भरोसा, यकीन, बहुत मानते हैं आप इन्हें. हाँ, हमारे बाबा है इतने प्यारे, इतने निराले. बाबा की लीला अपरंपार है. क्या नाम है बाबा का? लट. लट बाबा? नहीं नहीं, आपके चेहरे पे जो एक खूबसूरत सी लट आ रही है, वो आपके चेहरे की खूबसूरती को और चार चांद लगा रही है, निखार रही है. सो ब्यूटीफुल. आपकी शादी हो गई? जी. मतलब अक्सर लड़कियां हमसे ये सवाल पूछती हैं कि हमारी शादी हो गई या नहीं हुई, और आपका जवाब क्या होता है? छोड़िए ना, वैसे आपका नाम क्या है? पीछे. वाओ, क्या नाम है, कितना शायराना, कितना सोच समझ के नाम रखा होगा. पीछे हटिए. पीछे हटिए सर, सोशल डिस्टेंसिंग. अच्छा अच्छा, बहुत समझदार हैं आप. जी, आजकल बाबा कहाँ पाए जाते हैं? चले गए बाबा. ओह, आई एम सो सॉरी. नहीं नहीं, बाबा हैं लेकिन नहीं हैं. कहने का मतलब ये है कि वो बाबा कंट्री से बाहर हैं, तो बाबा आजकल ना लास वेगास और बैंकॉक के बीच अप एंड डाउन करते रहते हैं. तो फिर आपकी बाबा से भेंट कैसे होती है? टेक्नोलॉजी, आजकल वीडियो कॉल से सब कुछ मुमकिन है. बस बाबा से भेंट कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, और बाबा आज भी दर्शन देने वाले हैं. इंटरेस्टिंग. वैसे आप बाबा के बारे में इतनी उत्सुक क्यों हैं, कुरियस? आपने बाबा की इतनी तारीफ की तो हमने सोचा कि अगर हमें भी उनके दर्शन मिल जाते तो हमें भी धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ मिल जाता, किसी बड़े आदमी से शादी हो जाती, बस अगर थोड़ा सा उनका आशीर्वाद मिल जाता तो. थोड़ा सा? अरे बाबा का दिल दरिया है. बाबा जब आशीर्वाद देते हैं ना तो पूरा प्राइवेट लोन की तरह से देते हैं. आशीर्वाद मिल जाएगा, आप बस हमें संभालिए ना. जी, हमारा इवेंट संभालिए, बाबा का आशीर्वाद हम दोनों को मिलेगा. श्योर सर. अच्छा ये बताओ कि इस घर में और कौन कौन रहता है? सिर्फ गौरी शंकर बाबू और उनकी अम्मा रहती है. बस वो कहा है ना कि उनकी अम्मा बहुत बुद्धि हो चुकी है. ये
ऐसे ज्यादा चल फिर नहीं सकती है, इसलिए ऊपर वाले कमरे में पड़ी रहती है। लेकिन वो बात है, उनके पास जाना सबको अलाउड नहीं है। फिर क्या हुआ? जब मैं वापस आई तो मैडम घर से जा चुकी थी अपने ड्राइवर के साथ। पीछे से एकदम ऋतिक रोशन लगता है। पीछे से? हाँ, पीछे से। आगे आगे? आगे से नहीं, पीछे से। पीछे से ऋतिक रोशन लगता है। आगे बोलो, आगे। मैडम को वो पसंद आ गया, उसके बाद एक हफ्ता उनका प्यार चला और मैडम उसके साथ भाग गई। संतु जी, आपका हृदय कितना कोमल है ना संतु जी, ना मतलब धोखा दिया कोई और, खाया कोई और, दर्द आपको हो रहा है, आप रो रही हैं संतु जी। चीते, मैं इस वजह से नहीं रो रही हूँ। और नहीं तो क्या, ये देखो प्याज कट रहा है ना, प्याज की वजह से रो रही। सॉरी सॉरी, हमको लगाओ। आप भी ना बिल्कुल हमारे उनकी तरह हो, बिल्कुल बेवकूफ। एक मिनट एक मिनट, गौरी शंकर की बीवी 2 साल पहले घर के ड्राइवर के साथ भाग गई। हाँ, और हैरानी की बात तो ये है कि उस ड्राइवर को कोई ठीक से जानता भी नहीं है। बस एक हफ्ते के लिए उसने ड्यूटी ज्वाइन की और उसकी बीवी को लेकर चलता बना। बताइए पुष्पा जी, सब तो किस्मत का ही बात है ना। कोई एक हफ्ते में अपने प्यार को लेकर उड़ जा रहा है और कोई सालों साल के कोशिश के बाद भी अपने प्यार को बदनाम के दुकान के आगे नहीं लेकर जा पा रहा है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच हमेशा पहाड़ की तरह होता है, अलग अलग एंगल से अलग अलग शेप का दिखाई देता है। हो सकता है कि ये सच का दूसरा या शायद तीसरा पहलू अभी तक हमारे सामने आया ही ना हो। और ये सच सामने कैसे आएगा मैडम सर? जैसे ही हमें मौका मिलता है, हम इस घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हो ना हो, सच कहीं ना कहीं इस घर में ही छुपा है। यस मैडम सर। चलिए बैक टू वर्क। आइए आइए सर, सर का जन्मदिन है, केक काटते हैं। अरे अरे अरे, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस। जब तक हमारे बाबा का आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये केक नहीं काटेंगे। बस थोड़ी देर और बाबा का फोन आता ही होगा। बाबा का फोन आ गया। बाबा की लीला अपरंपार है। जन्मदिवस की तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं बेटा गौरी। हमें यह बताते हुए थोड़ा सा खेद हो रहा है कि आज तुम्हारे विवाह योग का अंतिम दिवस है। यदि आज तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा। बाबा बाबा, जस्ट अ सेकंड। हाँ बाबा, होल्ड ऑन प्लीज। आते हैं, एक्सक्यूज मी। हाँ बाबा, कहिए क्या कह रहे थे? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है, फटाफट कर लो विवाह। 2 घंटे में विवाह कैसे होगा? तुम्हारे पीछे कौन है? बाबा, आजकल हमारे पीछे कोई नहीं है। अगर हमारे पीछे कोई होती ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। अरे मूर्ख, तुम्हारे पीछे ये जो 2 सुंदर सुंदर महिलाएं खड़ी हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि ये कौन है। अरे बाबा, ये 2 तो वो इवेंट कंपनी से आई हैं, हमारा जन्मदिन है ना, तो वो इवेंट का काम कर रही हैं। मेरी ज्ञान इंद्री कहती है कि बस यही दोनों हैं जो तुझे विवाह काल से मुक्त कर सकती हैं। क्या बात है बाबा, अभी तक 1 सिंगल नहीं मिल रही थी, अभी 2-2 मिल गई। बाबा यू आर ग्रेट। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ये दोनों हमसे विवाह करने के लिए अग्री करेंगी? बेटा गौरी, मूर्खता ना कर। मैं तुम्हें इन दोनों से विवाह करने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक से विवाह करना है। एक ही? यदि तुमने आज विवाह नहीं किया तो आजीवन दूसरे के बारात में नागिन डांस करते रहोगे। फिर ये ना कहना कि बाबा तुमने चताया नहीं। नहीं नहीं, ठीक है बाबा, हम प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, प्रपोजल डालते हैं, पूछते हैं। पूछना नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को विवाह के लिए तैयार करना है। क्योंकि यही तुम्हारी समस्या का एकमात्र समाधान है। यदि आज रात के 12 बजे तक तुमने विवाह नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। करते हैं करते हैं। कल्याण हो। अम्मा वो क्या करेगा,
100 जूते लगाएंगे उसको हम, और उतारेंगे उसके सर से ये शादी का भूत। बड़ा है महाराजा, शादी करेगा, ऐसा मार लगाएंगे ना कि शादी तो क्या, शादी के कार्ड से भी भागेगा, देखिएगा आप। करिश्मा सिंह शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से जरा सोचिए कि अगर हम लोग ऐसा करते भी हैं तो सोचिए हमारे लिए इस घर की तलाशी लेना कितना आसान हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर, इनकी शादी अगर वो गौरी शंकर के साथ हो गई तो हमारी लल्ला का क्या होगा? रिलैक्स, हम सच में शादी करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शादी का नाटक करने की बात कर रहे हैं, वो भी तब तक जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाता जो विक्रम को बेगुनाह साबित कर सके। बस तब तक के लिए हमें उस गौरी शंकर को कंफ्यूज करके रखना है। कैसा कंफ्यूजन मैडम सर? आपके और हमारे बीच में चुनाव होगा, वो चुनाव बड़ा सिंपल है, सब जानते हैं यहाँ पे वो किसको चुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, आप प्लीज खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, आपको भी कोई अपना फीमेल पार्टनर जरूर बनाना चाहेगा। नहीं नहीं, हम अपना ही बात कर रहे हैं मैडम सर। अगर आपके और हमारे बीच में चुनाव होगा तो वो हमें ही चुनेंगे, क्योंकि हम आपसे ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव हैं, किसी के भी सपनों की ड्रीम वाइफ हैं हम। हाँ, लेकिन हमारा शादी हो गया है ना, तो इसलिए ये काम आपको ही करना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी। हाँ हाँ, I like your confidence। हाँ, इनबिल्ट है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.